एवरीवन, स्वागत है आपका यू स्टार एकेडमी में। आज है 18 दिसंबर 2018 और आज 18 दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 के तीसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से उठे किस तूफान के आंध्र प्रदेश के गोदावरी तट से टकराने पर तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा। आंसर है फेथई तूफान। इस तूफान का नाम फेथई है। इस तूफान के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं चली और भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर आंध्र प्रदेश और उसके निकटतम तटीय जिलों में जारी रहा। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और उसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा राव। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नगर या राज्य में स्थित अक्षयवट के बारे में कहा है कि यहां आने वाले श्रद्धालु अक्षयवट के भी दर्शन कर सकेंगे? आंसर है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज कर दिया गया है और अक्षयवट मंदिर प्रयागराज में स्थित है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है इलाहाबाद और ये इसकी जुडिशरी कैपिटल है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं राम नाइक। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है और आपको इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की? आंसर है अशोक गहलोत। राजस्थान में हुए चुनावों के बाद राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अच्छा, इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? आंसर है सचिन पायलट। सचिन पायलट ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल में शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व अन्य कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है? आंसर है PV सिंधु। अच्छा, BWF की फुल फॉर्म क्या होती है? BWF की फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इस टूर में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। अब बात आई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान के प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो अबे और जापान की करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराकर पहली बार विश्व हॉकी कप 2018 का खिताब जीता? आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराकर पहली बार विश्व हॉकी 2018 का खिताब जीता है।
यह विश्व हॉकी कप 2018 का टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? यह ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ है। अब बात आई है ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान, चीन और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है अफगानिस्तान। हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग देने के लिए पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने एक त्रिपक्षीय वार्ता में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ है। अब बात आई है अफगानिस्तान की, तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान के बारे में देखते हैं। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी रुपया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट इसमें है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के पीएम हैं इमरान खान। नेक्स्ट चाइना। चाइना की करेंसी है रैन मिनबी। इसकी करेंसी युआन भी है, युआन रेन मिनबी का ही एक पार्ट है, जैसा कि पैसा रुपया का एक पार्ट है। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और चाइना की राजधानी है बीजिंग। आपको सभी कंट्रीज के पीएम, करेंसी और कैपिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कितनी बार सांसद रह चुके कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को मंच पर मंत्रोच्चार के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? आंसर है 9 बार। कमलनाथ जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का नव निर्वाचित मुख्यमंत्री चुना गया है, वे 9वीं बार शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम अभी हाल ही में कमलनाथ चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अच्छा, इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के प्रतिष्ठित किस साहित्यकार को वर्ष 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आंसर है अमिताव घोष। अमिताव घोष एक इंग्लिश राइटर हैं और उनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए और एक शील्ड प्रदान किया जाता है। अमिताव घोष के कुछ और भी नॉवेल्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके नॉवेल्स हैं शेडो लाइंस, द ग्लास पैलेस, द हंग्री डाइड। ये तीन इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं। अच्छा, इससे पहले 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर के फील्ड में कृष्णा सोबती को मिला था। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 53वां कृष्णा सोबती को दिया गया था। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जन्म तिथि पर 100 रुपये की स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जन्म तिथि पर 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।